जीवन में तीन मंत्र का हमेशा आप याद रखिएगा, जो चाणक्य के द्वारा जो है वो दिया गया, और ये सत्य वचन है। आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे यह बात आप खुद महसूस कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये काम कभी नहीं करना है जीवन में, वरना आप जीवन में हमेशा पीछे होते हुए चले जाएंगे। आनंद में, खुशी में कभी किसी को वचन मत दीजिएगा, और कभी भी अगर गुस्सा है ना तो किसी को उत्तर मत दीजिएगा, ये तो आप गांठ बांध लेना दूसरा वाला। तीसरा, दुख में कभी निर्णय मत लीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करूंगा उसके पहले बोलूंगा आप सभी को, आज कवर करेंगे 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और एक बात, जो आपका सेशन चल रहा था त्रिकोणमिति का, वो दो पार्ट मैंने आप सभी को अप टू डेट कर दिया है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। तीसरा पार्ट कल आपको 4 बजे मिलेगा, उसके बाद लाइन से 4, 5, 6, 7, 8 टोटल पार्ट आपको मिलता हुआ चला जाएगा। दो पार्ट मैंने आपको दिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझ में आया है, खास कर उन लोगों को ज़्यादातर जिनको ट्रिगो बिल्कुल नहीं आया था। तो टारगेट भी यही है कि कम से कम त्रिकोणमिति का जो डर है वो आपके अंदर से कहीं ना कहीं निकाला जाए एग्जाम से पहले, और यही लॉकडाउन के अंदर। और एक बात, अब किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98, वो अपने फोन पर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। या फिर वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, या फिर कोई भी बैंक का एग्जाम हो, अगर वहां से 349 वाला पैकेज अगर आप बाय करते हैं तो 1 साल तक आने वाले हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं उस एग्जाम में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, और आज रात को आप सभी को 11:30 बजे वाला क्लास जो है वो हमेशा की तरह जो है वो पक्का मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, केयर रेटिंग के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता है ना, ये रेटिंग एजेंसी है, टाइम टाइम पर जो है वो रेटिंग देते रहती है, और इसके जो MD और CEO बना दिए गए हैं उनका नाम है आपका अजय महाजन, ऑप्शन नंबर आपका D। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस संस्था का नाम बताना है ना जिसने अपने क्लब एनर्जी अभियान के लिए सामाजिक नवाचार के लिए जो है एडसन अवार्ड प्राप्त किया है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो एडसन अवार्ड्स सोशल इनोवेशन के क्षेत्र में किसे दिया गया है 2020 में, ये आपको बताना है। और ये अवार्ड दिया गया है किन संस्था को, तो वो संस्था है आपका टाटा पावर, ऑप्शन नंबर आपका D। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अपने उपन्यास क्या नाम है उस नोवेल का, तो उस नोवेल का नाम है आपका अरेबिक फिक्शन द स्पोर्ट्स कोड। इसके लिए इनका एक उपन्यास है, ये उपन्यास किसका है जिसके लिए इनको 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उनका नाम बताना है। इनको 13th इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है इनके नोवेल के लिए, नोवेल का नाम क्या है, अरेबिक फिक्शन फॉर द स्पार्टन कोड, और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है ऑप्शन नंबर आपका C। ये सब जितने भी अवार्ड मिल रहे हैं ना, आप ये याद रखना, एग्जाम में काफी बार अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस संगठन का नाम बताना है जिसने फेसबुक मैसेंजर पर एक क्या आप बोल सकते हो, इंटरेक्टिव COVID-19 सेवा शुरू की है। कहने का मतलब है, आप सभी अगर आप कोई भी सोशल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां पर बहुत क्लियर देख पा रहे होंगे COVID-19 से जुड़ा हर एक जानकारी वहां पर आपको दिया जा रहा है, ताकि आप जागरूक रह पाए, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रहा है उससे आप जो है वो जुड़े रहे। इसीलिए फेसबुक मैसेंजर के द्वारा किस संस्थान ने जो है वो डील साइन किया है, तो वो संस्थान है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर आपका D। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर, तो आप सभी को पता है इसके हेड का नाम तो सभी को पता चल गया होगा आज के डेट में पूरे विश्व भर में, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका टेड्रोस एधोनोम। अगर बात किया जाए WHO का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1948 में, और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका जेनेवा में, जो पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। और एक बात,
अगर मैं बात करूं कोविड 19 से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई राशि कितनी है, तो वो भी याद रखिएगा, $675 मिलियन जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार चल रहे कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में एशिया की विकास दर कितनी रहने वाली है। पूरे एशिया का, एशिया के अंदर बहुत देश आता है, आप सभी को पता है ना, जैसे मान लो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, इंडिया है, तो पूरे एशिया का विकास दर कितना रहने वाला है 2020 में IMF के अनुसार, ये आपको बताना है। तो IMF ने अनुमान लगाया है कि 2020 में एशिया का जो ग्रोथ रेट रहने वाला है ना वो 0% रहने वाला है, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और एक बात, इंडिया का अनुमान कितना लगाया गया है IMF के द्वारा, तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इंडिया का जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया 1.9% का, ठीक है ना। और एक बात, IMF का गठन कब हुआ था, 1945 में। वहां के जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन है, तो उनका नाम तो मैंने आपको काफी बार बताया, हेडक्वार्टर याद रखिएगा वाशिंगटन DC में, जो अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस बीमा प्रदाता का नाम बताइए जो 5 लाख रुपए तक कोविड 19 से संबंधित अतिरिक्त लाभों की घोषणा करने वाला पहला बन गया है, और वो बन गया है टाटा AIA। अब ये क्या है, इसके अंडर जितने भी जो जिन्होंने इनका इंश्योरेंस लिया है या फिर जितने भी एजेंट हैं, उनको जो है वो 5 लाख तक का जो है वो इंश्योरेंस देगी, कौन, टाटा AIA, ठीक है। और एक बात, अगर मान लो उस परिवार में किसी भी बच्चे को, किसी भी महिला को कुछ भी कोविड 19 से हो जाता है या संक्रमित भी हो जाते हैं, तो उसके लिए कम से कम 25,000 रुपए देगी। ऐसे तो अगर मर जाते हैं तो 5 लाख का तो बीमा दिया ही दिया जाएगा, साथ में बीमारी से लड़ने के लिए 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने दुकानों पर प्रतीक्षा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सेफ्टी ग्रिड कैंपेन, कौन सा कैंपेन का नाम है, सेफ्टी ग्रिड कैंपेन शुरू किया है, तो किस बैंक ने यह शुरू किया है, तो वो बैंक है आपका HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर आपका D। और आज का यहीं से निकल कर आ रहा है आप सभी का पहला प्रश्न, HDFC का CEO कौन है, यह पहला क्वेश्चन आपको बताना है। साथ ही साथ HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, और तीसरा आप जोड़ लेना HDFC बैंक का टैग लाइन क्या है। ये तीन चीज आप सभी को कमेंट कर बताना है HDFC बैंक के बारे में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भ्रष्टाचार की जांच और डोपिंग उल्लंघन के बीच अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख का नाम बताना है जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, और उनका नाम है आपका तमास अजान, ऑप्शन नंबर आपका C, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्थानीय समाचार आउटलेट की मदद के लिए फेसबुक के नक्शे कदम पर चलते हुए जर्नलिज्म रिलीफ फंड शुरू किया है। बहुत अच्छा बात है ये वाला, आप बोल सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है आज के डेट में जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, जो लड़ रहे हैं इस बीमारी से, कोविड 19 से, इसमें क्या हो रहा है कि डॉक्टर, नर्स, ये सब तो लड़ ही रही है, पुलिस लोग, जर्नलिज्म भी कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो घर में लॉकडाउन है और आप तक हर एक जानकारी जो है वो जर्नलिज्म के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। तो जर्नलिज्म रिलीफ फंड जो है वो एक ऐसा फंड जो है वो जारी किया गया है, किसके द्वारा, तो ये जारी किया गया है आपका गूगल के द्वारा। और गूगल के CEO के बारे में बात करूं तो गूगल के CEO कौन है, तो आप सभी बोलेंगे भैया सुंदर पिचाई, नाम याद है ना। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 20 अप्रैल का, और इसका पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, या फिर आपके फोन में अगर एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है ना टेलीग्राम का,
तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, वहां पर आप सभी जुड़ सकते हैं। वहां पर ऑलरेडी 42,000 के लगभग स्टूडेंट हैं। कोई भी पीडीएफ, कोई भी जानकारी आपको वहां पर शेयर कर दी जाती है। और एक बार और बोलूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का आपके फोन तक जो है वो मिल जाए। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को गुड इवनिंग। अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, ठीक है ना।